Ready? Let's go. Happy birthday to ज वेलकम बैक टू माई चैनल बहुत ही सो so अभी जो नायका की हॉट पिंक पिंक लव थी सेल चल रही थी सो आई शॉप्ड सम थिंग्स फ्राम देयर सो आई बी शेयरिंग विद यू ऑल की मैंने क्या क्या खरीदा एंड एक दो चीजों के अलावा इर इज ऑल लिपस्टिक्स एंड एवरी लिपस्टिक इज अंडर बजट मैंने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल वाली लिपस्टिक्स पिक आउट करी है Beauty, so, सारी भी दो दो पीसेज मंगवाए हैं डिफरेंट शेड्स मंगवाए हैं सो देट वी कैन हैव लाइक स्वचेज ऑल्सो फॉर्मुलेशन भी पता चल जाएगा एंड दे आर सुपर डूपर अफोर्डेबल एंड यू गड लव देम सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड

क्लेंसिंग बाम मोस्टली मैं इसे प्लम की वेबसाइट से मंगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे अमेजिंग ऑफर्स चलते हैं बट इस बार मुझे और कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाना था एक ही प्रोडक्ट मंगाना था तो आई थॉट माइट इज वेल एंड जब मैं ये मंगा रही थी तो मुझे इसके साथ ये प्लम का बॉडी ऑयल फ्री मिला ये मेरा फेवरेट बॉडी ऑयल है इसकी बॉटल इतनी छोटी है कि ये दो या तीन यूज़ में खत्म हो जाएगी शायद इतनी भी ना चले बट या थैंक यू फॉर द फ्री बीज आई मीन हु फ्री बी उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का नेल पेंट रिमूवर मंगाया ऑल दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी बट मैंने uh, पता नहीं कुछ तो ऑफ़र था कि 20-30 रुपए मुझे और बढ़ाने थे तो मैंने सोचा कि कुछ और uh, महंगा लेने से अच्छा यही ले लेती हूँ काम भी आ जाएगा अदरवाइज मेरी कार्ट वैल्यू ऐसे ही बढ़ती जाती है कमेंट बिलो इफ यू आर द सेम नाउ एवरीथिंग इज अ लिपस्टिक दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट तो पहले इसी से शुरू कर देते हैं ये है ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टेंट एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है ब्लू हेवन ने ये अपनी नई जो मेकअप की रेंज अभी थोड़ा टाइम पहले लॉन्च करी थी उसकी है ऐसी पैकेजिंग पेस्टल पिंक कलर की एंड देन अंदर भी इसका ऐसे पर्पलिश ब्लू कलर का डब्बा है देन दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट एंड अगेन इसकी पेस्टिल पिंक कलर की पैकेजिंग है इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड ये टोपन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी आती है तो मैंने ये जो मंगाया है दिस इज़ इन द शेड रोजी डस्क मैं सारी लिंक्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी इसका शेड कुछ इस तरीके का है एंड आई रियली लाइक इट आप अभी भी अगर देखो मेरे चीक्स पे ये नहीं लगाया बट इसी के जैसा सिमिलर शेड है तो बेसिकली मुझे ऐसे वाले शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं इसीलिए मैंने ये मंगाया एंड इसमें है आपका आवोकाडो ऑयल एंड मैंगो बटर सो इट इज़ वेरी वेरी नरिशिंग आप इसको हाथ पे स्वॉच करोगे तभी आपको इसका नरिशमेंट पता चल जाएगा नाउ लेट्स वॉच इट ऑन द लिप्स सो मैंने डायरेक्टली ही लगा लिया इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा इसका मतलब थिक है इसकी स्टिक सो so आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा वरना फैल भी सकता है बट द शेड लुक्स ब्यूटिफुल एंड आई रियली रियली लाइक सच शेड्स मतलब ये एक एवरी डे के लिए परफेक्ट है अगर आप कहीं जा रहे हो तो आईज लिप्स और चीक्स पे इसको लगा लो एंड यू विल भी गुड टू गो एंड अगर कहीं और नहीं भी लगाना है इट वर्क रियली गुड एज अ लिप्स्टिक ऑल्सो बिकॉज काफी ज्यादा नैचुरल सा शेड लग रहा है एंड इट फील्स वेरी वेरी नरिशिंग ऑन द लिप्स इट फील्स बटरी स्मूद मतलब इसका फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है नाओ द थिंग इज आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट इफ़ यू वॉन्ट कि मैं इंसाइड लिपस्टिक्स का एक व्यव टेस्ट भी करूँ सो लेट मीन वन द कॉमेंट्स आई विल मेक अनादर वीडियो फॉर दैट बट या अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लिपस्टिक की तरह सो सबसे पहले हम इन साइड कॉस्मेटिक के लिपस्टिक्स की बात करेंगे सो दिस इज द फर्स्ट लिपस्टिक दैट आई गॉट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक ये इनकी मैट लिप इंक रेंज है एंड दीज आर लाइक मैट लिक्विड लिपस्टिक्स एंड इनकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है इसकी पैकेजिंग देखते ही मुझे ब्लर कॉस्मेटिक्स की जो पैकेजिंग है उसकी याद आ गई थी सो दिस इज व्हाट दिस वन लुक्स लाइक ऑन माय लिप्स मेकअप लगाने के बाद तो बहुत ही अच्छी एकदम म्यूट सी शेड लग रही है बट मैंने ये सारी लिपस्टिक्स ना कल बिना मेकअप के ट्राई करी थी तो बिना मेकअप के मेरे ऊपर ये लिपस्टिक ऐसे लग रही थी जैसे मैंने कुछ भी नहीं लगाया लाइक इट वॉज़ अ स्पॉट ऑन मैच टू माई लिप कलर लाइक दिस इज़ द नियरेस्ट मैच टू माई लिप कलर एंड बहुत ही अच्छा शेड है बहुत ही अमेजिंग शेड है सो आई थिंक इंडियन ब्राउन टोन्स को बहुत ज्यादा सूट करेगा। इट इज अ ब्यूटिफुल लिप कलर और अगर आप हल्का थोड़ा डस्की डार्क स्किन टोन की तरफ होते हो एंड ये थोड़ा सा आपको फ्लैश आउट कर सकता है लिए आप एक ब्राउन लिप लाइनर लगा के इसको अंदर फिल कर लेना यू आर अर् लव द शेड मोर देन दम्यूला आई मीन फार्मूला इज ऑल्सो क्वाइट यू नो कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स अभी अगर मैं इंस्टेंट बात करूँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं सो इट इज़ लाइक अ कम्फर्टेबल फॉमुला बट सुपर इंड एक्सपेंसिव एंड आई रियोली रियोली लाइक दिस रेंज आई माइड गो हिड एंड गेट अ फ्यू मोर शेड्स इन दिस सो या आई रियोली लाइक दिस शेड इन पर्टिक्यूलर सो दिस नेक्स्ट लिपस्टिक इज़ अगेन फ्राम इनसाइड कॉस्मेटिक ये है की नॉन ट्रांसफर लिप कलर एंड ये लिपस्टिक थी जिसकी वजह से मैंने ये इतनी सारी और लिपस्टिक्स मंगा ली बिकॉज मैं सोच रही थी कि ये मंगाई रही हूँ तो साथ में और भी अफोर्डेबल ऑप्शन देख लेते हैं कि किसका फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है दीज लिपस्टिक्स आर लिटरली गोइंग वायरल दीज डेज मतलब ये मेरे ख्याल से एम आर पी हंड्रेड रुपीज़ है हंड्रेड भी नहीं है नाइन्टी नाइन है और सेल वगैरह पे एटी एट्टी वन रुपीज़ की मिल जाती है क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है अभी मैंने लिप्स पे लगाया लुक एट द कलर इट लुक्स ब्यूटिफुल मतलब ये कलर देखते ही कैरमल वाली फीलिंग आ रही है मतलब वो कैरमल ब्राउन जैसा इसका कलर है एंड आई रियली लाइक द शेड मतलब अगर आपको एक वार्म टोन सा लुक क्रिएट कर रहे हो दिस विल लुक सो ब्यूटिफुल आई कॉन्ट एम्फोसाइज इनफ एंड इसकी मतलब पता है नहीं कैसे मैंने जैसे इस कलर को देखा आई वॉज लाइक वाह कैरामिल ब्राउन एंड जैसे मैंने इसे खोला इसमें से कैरमल जैसी खुशबू आ रही है मतलब जो कॉफी को टॉफ़ी होती है ना उसको और कैरमल को मिक्स कर दो तो साथ में जो खुशबू आएगी वो खुशबू इसमें से आ रही है आई नो वेरी वेरी व्यर बट येस इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक दैट एंड ये एट्टी वन रुपीज़ की लिपस्टिक है कैन यू इवन टेल इसका वन स्वाइप पिगमेंटेशन है आई लव द पिगमेंटेशन ऑन दिस लिपस्टिक एंड ये बिल्कुल भी मेरे ऐसे ड्राई पैचेज और लाइन्स में ऐसा भर नहीं रही है अंदर सो इट डजेंट फील ड्राई एज ऑफ नाउ बट मैं लॉन्ग टर्म का अभी नहीं बोल सकती बट एनी वेज यार लिक्विड लिपस्टिक्स ड्राई फील करती है तो अगर ये करेगी भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये एट्टी वन रुपीज़ की है मैं नीचे लिप बाम लगा के लगा लूँगी वरना मैं टचअप कर लूँगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई I... Love this lipstick and I am definitely sure that I'm श्योर get go and get a lot of different shades and uh, most probably मुझे लगता है ये साल एंड होने तक ना मेरे पास इस लिपस्टिक के सारे शेड्स होंगे देख लेना तो so, मेरे पे जो अगला शेड है वो भी इसी लिपस्टिक का फटाफट -पड़ से चेंज करके बताती हूँ so this is the next shade of the inside की मैट नॉन ट्रांसफर लिप कलर and I got it in a red shade also because दो colors जो मैं सबसे पहले किसी भी ब्रांड के उठाती हूँ होते हैं nudes एंड रेड्स क्योंकि अगर मैं पिंक्स या मॉव ये सब उठा लू ना तो ये वाले कलर्स मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आते हैं मतलब बाद में आ जाते हैं पर इंस्टेंटली नहीं आते और फिर ऐसा होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया तो फिर उस रेंज को ट्राई करने का मन नहीं करता इसलिए मैं हमेशा एंड एंड लेती पहले आई लव दिस रेड रेड कलर सो ये है शेड सनसेट सनसेट इट इट एक्चुअली इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रेड कलर विद ऑरेंज अंडर ये इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कलर चाहे फेयर हो मीडियम हो या डस्की हो इट विल लुक ब्यूटिफुल एंड साड़ीज वगैरह पे भी ये बहुत ज्यादा अच्छा सूट करने वाला आई एम इन लव विद दिस रेंज थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस जो किए थे ना कि दीदी इन साइट के लिपस्टिक्स ट्राई करो तो मैंने सोचा कर लेती हूँ वट इज द हाइप ऑल अबाउट अगर आप लोग लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हो इन अ बजट गो एंड गेट दीज स्ट्रेट अवे विदाउट थिंकिंग नाउ वी आर डन विद इनसाइट कस्मेटिक्स मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए बिकॉज मुझे सिर्फ ट्राई करना था फॉर्मूला अब जो कि मुझे पसंद आ गया अब मैं ज़रूर मंगाऊंगी सो नेक्स्ट टाइम बढ़ते स्विस ब्यूटी की तरफ और इन साइट ने यार मुझे कोई फ्री गिफ्ट भी नहीं दिया वेरी बैड इनसाइट एक तो दे देते यार फ्री में लिपस्टिक कोई बात नहीं चलो अब स्विस ब्यूटी की तरफ बढ़ते हैं इनके मेरे पास दो तीन रेंजेज़ हैं चार हैं चार हैं चार रेंजेज़ हैं सो सबसे पहली वाली है ये एच डी मैट लिपस्टिक एंड ओ माई गॉड

And this is what it looks like on my lips. it is actually perfect name, नेम lava. ये बहुत चॉकलेटी कलर है like it gives that hot chocolate vibes. but उसके अंदर बहुत ब्रेक रेड कलर के अंडर टोन्स हैं सो इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल ये वाली लिपस्टिक जब मैंने बिना मेकअप के लगाई थी सो इट इज़ वन सच लिपस्टिक जो कि आप बिना मेकअप लगाए लगा के बाहर जा सकते हो इट लुक्स स्टनिंग पूरे आपके फेस पे एक अच्छा सा यू नो ब्यूटिफुल uh, लग रही है मतलब बेसिकली मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं सो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल शेड एंड द फॉमुला इज़ सो गुड लाइक इट डिन ड्राई वेरी मैट ठीक है बुलेट लिपस्टिक है इट इज इट इज़ मोर लाइक अ सैटनी मैट फिनिश बट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सुपर कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स मतलब आई एम नॉट एबल टू टेल दैट आई एम योरिंग समथिंग ऑन माई लिप्स ऐसा लग रहा है लिप बाम लगा रखा है लिपस्टिक जैसा नहीं लग रहा है एंड इट इज सुपर मॉइस्चराइजिंग इज वेल सो मुझे बहुत अच्छी लग रही है लिपस्टिक एंड इसका कलर देखो कितना ज़्यादा खिल रहा है चेहरा इस पे सो so, ब्राउन टोन्स के लिए यह परफेक्ट है इन फैक्ट फॉर द डीपर टोन्स ऑल्सो दिस विल एक्ट लाइक अ ब्यूटिफुल कलर सो यू कैन गो चेक दिस वन आउट अब मेरे पे इसी में एक दूसरा शेड और है दिस इज इन द शेड ट्वेंटी टू ब्रांड दी हेरिंगटन एंड पिछली बार लिपस्टिक के कम्पेरिजन में दिस इज मोर ऑफ अ कूल टोन शेड एंड मॉ विश फैमिली में बिलोंग करता है And it also looks nice, it is more towards the neutral side. So, if you like lighter nude colors, so you are going to love this color. Like you can see, it looks beautiful and it gives more that cool tone vibe. So, if you like warm tone shades, browns, you, like, you are going to love this shade. अगेन द पिगमेंटेशन वन सो आई पिगमेंटेशन वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स इट इज़ अ गुड लिपस्टिक सो यू कैन गो चेक दिस वन आउट सो जो मेरे पास नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है स्विस ब्यूटी की प्योर मैट लिपस्टिक की रेंज से एंड इट लुक्स लाइक दिस दिस इज द एग्जैक्ट पैकेजिंग ऑफ फेसिस कैनेडा की बुलेट लिपस्टिक एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल मुझे ये वाली पैकेजिंग काफ़ी पसंद है फेसिस कैनेडा की मेरे पास हैं काफ़ी सारी लिपस्टिक्स ये वाली तो ये जो शेड है दिस वन इज द शेड बर्गंडी आई गेस येस दिस इज़ बर्गिंडी एंड ये मुझे फ्री भी मिली थी मुझे सो इस ब्यूटी से दो लिपस्टिक फ्री मिली मतलब मैंने शायद दो ही प्रोडक्ट खुद ऑर्डर किए थे एंड दो मुझे फ्री मिल गए सो दिस वन इज़ लाइक अ वेरी डीपर पर्पल काइन ऑफ शेड एंड ये डीपर स्किन टोन्स में बहुत सुंदर लगेगा इनफैक्ट अगर आपने अपना पूरा बेस मेकअप ऐसा लाइट uh, रखा है आइज़ लाइट रखी है सो दिस वुड एड अ पॉप ऑफ कलर एंड या यू कैन व्यर इट मुझे पर्सनली ऐसे शेड्स जब मैं लगा लेती हूँ तो मुझे अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है बट आई डोंट रीच आउट टू सच शेड यू नो वोट आई मीन राइट एंड दूसरी चीज़ ये वाली जो लिपस्टिक है मुझे थोड़ी सी डैमेज डैमेज रिसीव हुई थी मतलब इसके जो ऐसे ना छेद छेद से हो रखे इसमें सो बट आई डोंट माइंड इट एंड या द फॉर्मुलेशन इज़ गुड अगेन इट डजन फील ड्राई और एनी थिंग ऑन माई लिप्स इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दिस इज इवन लाइटर देन दैट वन सो इट ड्राइज ऑफ मैट बट इट इज़ नॉन ड्राइंग एंड इट इज़ वन स्वाइप पिगमेंटेशन मतलब इतना डार्क कलर है बिल्कुल पैची नहीं लगा है एकदम स्मूदली लग गया है पूरे लिप्स पे इवन तरीके से सो आई रियली रियली लाइक दिस फॉर्मूला आई वॉन्ट टू ट्राई आउट सम न्यूडर शेड्स इन दिस फॉर्मूला ऑल्सो सो आई माइट गेट दैम समटाइम्स सोन बट या आई लाइक द फॉर्म्यूशन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द कलर दो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है सो दिस इज द लास्ट लिपस्टिक दैट आई हैव फ्रॉम स्विस ब्यूटी ये उनके सुपर मैट लिक्विड लिपस्टिक की कलेक्शन से है एंड दिस इज इन द शेड आई डोंट नो लाइक दैट इज़ नॉट द शेड देम बट आई डोंट नो व्हाट शेड दिस वन इज इन बिकॉज ये फिर से मुझे फ्री भी मिला था एंड द शेड इज प्रिटी बट पता नहीं क्यों इसकी पूरी पैकेजिंग में कहीं पर शेड नेम लिखा ही नहीं है मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे इसका लिप कलर का नाम नहीं पता बट अगर मुझे मिलता है कहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बट द फॉर्म्यूला इज़ गुड इट इज़ ए लिटिल बिट ड्राॅंग ऑन द लिप्स आई विल से इन साइड के ऐसे ड्राॅइंग नहीं लग रहे थे दिस फील्स अलाउट ड्राॅइंग दैन दोज वंस बट द शेड इन इट सेल्फ इज़ ब्यूटिफुल सो या मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है कलर बट इसका फॉर्मूला मुझे उतना पसंद नहीं आया मतलब अगर मैं इसको लगाऊंगी अपने लिप्स पर तो आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो मॉइस्चराइज माई लिप्स बहुत अच्छे से एंड उसी के बाद में ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी वरना अभी अगर मुझे तुरंत लगाइए मैंने एक मिनट पहले अभी अगर मुझे इतनी ड्राइंग लगने लग गई है तो फिर आगे चल के तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी बिकॉज जब मैं बात कर रही हूँ ना तो आई एम लाइक आई एम एबल टू फील दैट ड्राइनेस एंड आई एम एबल टू फील लाइक इज समथिंग वी गोइंग ऑन विद माई लिप्स सो अगर आप इस लिपस्टिक को लेते हो तो मेक श्योर sure कि आप अपने लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना बट आई थिंक दिस इज़ थ्री हंड्रेड रुपीज़ एंड दिस इज़ एटी वन रुपीज़ और मे बी फुल एम आर पी पे भी नाइन्टी नाइन रुपीज़ की है आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन रादर देन दिस वन दिस इज़ फीलिंग अ लॉट मोर ड्राइंग बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है आई एम जस्ट नॉट एबल टू टॉक ऑल्सो प्रॉपर्ली बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है सो या दिस कंक्लूड्स ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई हैव फ्राम स्विस ब्यूटी इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का एक ग्लॉस मंगाया था ये मैंने अभी नहीं मंगाया है ये मैंने मंगा लिया था कुछ टाइम पहले बिकॉज देर इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स तो वो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज करी है हम सो सॉरी वो मुझे कब से कह रही है कि इसको रिव्यू कर दो इसको रिव्यू कर दो एंड uh, मैंने ये मंगा लिया था बट मेरी यही बर्थडे सीरीज़ के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गई थी कि ये पता नहीं पैकेज ही कहाँ चला गया था मुझे मिली नहीं रही थी मुझे लगा दोबारा ना ऑर्डर करनी पड़ जाए बट फिर मैंने इसको एक दो दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ इनफैक्ट अभी मैंने जो पिछली वीडियो भी बनाई थी उसमें भी जो मैंने ग्लॉस लगाया था वो यही वाला ग्लॉस था मैं इसको लगा के दिखाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं सबसे पहले बोलूँगी कि भाई हाई शाइन फॉर्मूला है अभी मैंने बिल्कुल बहुत थोड़ा सा लगाया बिकॉज ये जो नीचे लिपस्टिक लगी थी ना मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है पता चल लिपस्टिक लिपस्टिकारी दाइन इट लुक्स ऑन द लिप्स इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स जैसे अभी वो इतनी ड्राइंग लिपस्टिक के ऊपर मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया सडनली द दम्फर्ट लेवल हैज इंक्रीज टू अ वेरी यू नो गुड एक्सटेंट तो काफी कंफर्टेबल है लिप्स पे ठीक है तो लिक्विड लिपस्टिक के ऊपर लगा लो या बुलेट लिपस्टिक के ऊपर लगा लो ये दोनों के ऊपर अच्छे से लग जाता है एंड इसकी जो बेस्ट पार्ट है जो इन साइड के लिप ग्लॉस की नहीं है इन साइड का लिप ग्लॉस जब मैं लिपस्टिक के ऊपर लगाती हूँ तो मेरी नीचे से लिपस्टिक ऐसे क्रम्बल होकर हटने लग जाती है एंड इट लुक्स सो पथेटिक दैट आई हेट दैट ग्लॉस मैं उसे यूज़ ही नहीं करती एंड मुझे उसके बाद ऐसा लगा था कि सारे ग्लॉस ऐसे ही होते हैं बिकॉज आई डोंट यूज़ ग्लॉस दैट मच तो पहला वो ही लिया था एंड मेरा फिर मूड ख़राब हो गया था फिर मैंने दोबारा लिया नहीं बट दिस इज नॉट लाइक दैट आप इसको किसी भी फॉर्मूला के लिपस्टिक के ऊपर लगा लो इट विल नॉट मूव योर लिपस्टिक वॉट सो एवर सो दिस इज द बेस्ट पाथ दाइक अबाउट दिस लिप ग्लॉस जो इन साइड का लिप ग्लॉस है एंड एक और कंपनी का लिप ग्लॉस है आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ब्रांड बट जब भी मैं ऐसे करती हूँ अपने लिप्स को तो यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रिंग्स ही बन जाती है ऐसा लगता है मैंने चाशनी लगा रही थी अपने होट पर और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है एंड दिस इज सच अ गुड फार्म्यूला मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा अनकम्फर्टेटेबल नहीं हो रहा मुझे लिप ग्लॉज वाली फीलिंग ही नहीं आ रही बिकॉज मेरे दिमाग में ना लिप ग्लॉज का आइडिया भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था वो घटिया से लिप ग्लॉज यूज़ करने के बाद बट दिस वन इज़ वेरी 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 गुड एंड फॉर द प्राइज दैट इट कम्स फॉर मुझे याद नहीं है कितने हाँ वन नाइनटी नाइन इसकी एम आर पी है एंड ऑबियसली विल गेट एन ऑन सेल्स इन एमेज़न और ऑन नाइका तो आप इसको सेल्स में उठाओ एंड यू आर गोना लव दिस अब मुझे ये नहीं पता कि स्विस ब्यूटी में यू uh, नो you know, uh, और भी शेड्स वाले लिप ग्लॉस भी आते हैं कि नहीं बट अगर आते हैं तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग माई हैंड्स ऑन दोस्ट एंड आई एम थैंकफुल टू कृतिका फॉर सजेस्टिंग मी दिस अगर आप नहीं बोलते ना ट्रस्ट मी आई वॉज नॉट गोइंग टू ट्राई दिस लिप ग्लॉस एवर इन माई लाइफ बट इफ यू आर लुकिंग आउट अ ग्लॉस बजट में बजट में नहीं भी ढूंढ रहे हो तो भी भाई बजट में ले लो क्यों पैसे खर्च करने हैं बिकॉज दिस इज अ रियली रियली गुड ग्लॉस एंड यू गर्न लव इट सो गो एंड गेट इट राइट नाउ सो जो मेरे पास नेक्स्ट दो लिपस्टिक्स हैं वो ब्लू हेवन की है एंड इट इज देयर वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक की रेंज एंड ये मैंने इसलिए मंगाई बिकॉज ब्लू हेवन के एक तो काफ़ी सारी लिपस्टिक्स की रेंज है एंड मैंने कृतिका खुराना को उसकी वीडियो में बहुत बार इस बार लिपस्टिक को यूज़ करते हुए देखा है एंड लाइक इफ सच ए बिग इन्फ्लुएंसर हैविंग सो मैनी बिग ब्रांड्स इज यूजिंग दिस तो इसमें कुछ तो बात होगी एंड आई सीस में क्या बात है सही में वेटलेस है भाई मतलब इसको लगा रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ हाँ क्यों नहीं रहा पानी जैसा क्यों लग रहा है बट इसकी पिगमेंटेशन लिप्स पर बहुत अच्छी है लाइक आई लव द शेड Uh, बस ये शेड मुझे मतलब ये शेड ना बहुत बॉर्डर लाइन पे है मेरे लिए कि ये बहुत एकदम न्यूट्रल न्यूड सा लग रहा है मेकअप के साथ जैसे बिल्कुल लगने रखे लिपस्टिक लगाई है बिल्कुल न्यूड लग रहा है बट अगर मैं इसको मेकअप के बिना लगाती हूँ तो क्योंकि यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है ना तो ये मुझे थोड़ा सा वॉश आउट कर रहा है सो आई लाइक इट विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप मैं इसको लिप लाइनर के साथ लगा सकती हूँ सो दिस इज़ इन द शेड इलेवन इसका कुछ नाम नहीं है बस नंबर है इलेवन बट द शेड इज़ गुड तो अगर आप मेरे से लाइटर स्किन टोन के हो ये आपके लिए परफेक्ट न्यूड होगा इट इज़ अ ब्यूटिफुल कलर बहुत ही प्यारा कलर है मतलब मेरे पास ऐसा कलर कोई भी नहीं है सो आई रियली रियली लाइक दिस कलर लाइक अगर मैं एक क्लीन गर्ल मेकअप भी करती हूँ तो इट इज़ लुकिंग सो वेरी गुड लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर एंड इसी का जो मेरे पे सेकेंड कलर है अगेन रेड दिस वन वॉज ए फ्रीबी ठीक है तो मैंने ये वाला तो खुद मंगाया था क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज थे इलेवन नंबर सबसे ज़्यादा फेमस था तो मैंने वही मंगा लिया एंड देन दिस आई गॉट अ फ्रीबी तो इसको मैं सोच अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई माइट गिव इट टू समन बट क्योंकि इसका जो शेड है वो बिल्कुल इस वाली लिपस्टिक की तरह है जस्ट मिनट क्योंकि जो इसका शेड है ना वो बिल्कुल इस वाली लिपस्टिक की तरह है मैंने दोनों के से वॉन्ट पास में ला के देखे थे तो मैं दोनों को यूज़ नहीं कर रही क्योंकि सेम सेम कलर का मैं क्या ही करूँगी सो एग्जैक्ट सेम कलर है दोनों के एंड uh, ये थोड़ा मैट है ही हल्की सी शाइन में रहता है फिनिश जो लास्ट में आती है सो या दीज वर ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई हैड गॉट एंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम नाइका की अभी वाली सेल एंड अभी भी आई थिंक सेल चल रही है वैलेंटाइन्स तक चलेगी सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम ये सारी लिपस्टिक्स पिकअप करने को क्योंकि बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स पे चल रही है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों मुझे यू नो पुश करते हो ऐसी चीज़ें ट्राई करने को वरना मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतनी सारी लिपस्टिक है मैं क्यों ख़रीदूँ दोबारा से बट ठीक है आप लोगों को रिव्यू करने के चक्कर में मुझे पता चल गया कि भाई लिपस्टिक खरीदने का मतलब ये नहीं कि आपको सीधे सात सौ हज़ार रुपये फूकने हैं यू कैन गेट गुड लिपस्टिक्स अंडर हंड्रेड रुपीज़ ऑल्सो लाइक दैट इज़ सो ग्रेट एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अपना फेवरेट ग्लॉस मिल गया दो सौ रुपए का मतलब बहुत ही मैं खुश हूँ आज मजा ही आ गया बिल्कुल आप लोग भी फटाफट से जाके सारी चीजें खरीद लो मैं नीचे लिंक दे दूंगी जो भी शेड पसंद है ले लो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि कौन सी लिपस्टिक आपको लेनी चाहिए तो आई वुड से अगर आपको बुलेट में चाहिए ये वाली ले लो ठीक है अगर आपको चाहिए इसमें लिक्विड लिपस्टिक में तो मैं बोलूँगी कि स्विस ब्यूटी वाली मत लेना ठीक है ब्लू हेवन की ले सकते हो दिस इज द मोस्ट लाइट लिपस्टिक ऑन द लिप्स मोस्ट मोस्ट वेटलेस कंफर्टेबल ठीक है तो अगर आप उस वे में जाना चाहते हो तो आप ये वाली पक्का ले लो बहुत अच्छी लिपस्टिक है पता नहीं चल रहा कि लिप्स पे लगाया हुआ है एंड अगर इन साइड के लेना चाहते हो तो ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत अच्छे हैं बट आई वुड गिव दिस वन एंड अपर हैंड बिकॉज ऑफ द प्राइस क्योंकि ये स्टिल यू नो थोड़ी इससे ज़्यादा महंगी है एंड जिस रेट पे जिस प्राइस पे ये पिगमेंटेशन ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है ना आप इसको मत छोड़ो जो शेड आपको पसंद है वो शेड खरीद लो एंड यू विल नॉट रिग्रेट दिस लिपस्टिक आई लव्ड ऑल द लिपस्टिक्स एक्सेप्ट फॉर द स्विस ब्यूटी का जो फ्री वाला लिक्विड लिपस्टिक आया था वो मुझे नहीं अच्छा लगा बट अदर देन दैट एवरीथिंग वॉज अ हिट फ्रॉम माई साइड सो या दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो कॉमेंट्स में मुझे बताना अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई प्रोडक्ट ट्राई करके रिव्यू करूँ आई वुड लव टू बाय मोर मेकअप नाव या अगर आपने अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो अभी कर दो कंसिडर इट अ बर्थडे गिफ्ट हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट एंड आई सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद ब्रांड न्यू वीडियो एंड द लास्ट वीडियो ऑफ माई बर्थडे सीरीज टिल दैन से बाय बाय